आरा चौकम्बा से वहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ पांडव लोग महाप्रस्थान किए थे। एकमात्र अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर एक स्वामी भक्त कुत्ते के साथ शिखर पर चढ़ा। उसके पीछे सतोपंथ हिमानी हैं, सामने गंगोत्री क्षीर सनातन हिमानी हैं। जब ब्रिटिश सर्वे के समय 19 किलोमीटर था, अब जो है 10-12 किलोमीटर रह गया, उसकी मोटाई भी कम हो गई है। मैं जब 1948 में सर्वप्रथम गया, गोमुख जो पुष्पवासी से थोड़ा नीचे था, यानी यहाँ से 14 किलोमीटर पर था, अब जो है 19 या 20 किलोमीटर पर है। पृथ्वी के एक नाम है गो, जहाँ पवित्र स्थल है, किसी प्रकार का कलमश कलयुग नहीं, उस स्थान को गो कहा गया। धातु नाम अनेक अर्थ, एक धातु को कई अर्थ होते हैं। पृथ्वी का भी एक नाम है गो। पृथ्वी की मुखारविंद से गंगा जल रूप धारण करने पर गोमुख नाम रखा गया। इंद्रियों को भी नाम है गो। सर्वप्रथम अनंत हिमानी से गंगा तरल रूप में प्रवाहित होते ही इंद्रियां देख रही, इसलिए गोमुख। गोलोक से गंगा का आगमन है, इसलिए गोमुख। सूर्य की किरण का भी नाम गो है। सूर्य की किरण जब अनंत हिमान से बहिर्गमन करते ही प्रकाश पड़ना, इसलिए गोम। कई अर्थ, लेकिन गाय का मुख से ऐसे कुछ बात है ही नहीं। जिस शिखर पर, जिन शिखरों पर अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर महाप्रस्थान किए, उसका नाम है स्वर्गारोहण। वो सतोपंथ हिमानी से सूरजकुंड, चंद्रकुंड, इन सबको सब पहले ही सब द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम ने अंतिम क्षण तक वर्णन किया। उसके बाद वो वर्णन नहीं किया। ये कुत्ते के साथ शिखर पर चढ़ा, कुत्ता और कोई न था, साक्षात यम धर्मराज थे। एक पैर यम के सिर पर, एक पैर स्वर्ग में रख कर के स्वर्ग सशरीर स्वर्गलोक जाने का प्रमाण है। महाभारत में महर्षि व्यास ने बहुत अच्छा वर्णन किया। अब मेरे काल में आने वाले 10-20 वर्षों में गंगा नहीं रहेगी जी, गंगा नहीं रहेगी। एक सेकंड लगता है आपको गंगा जी का? एक तो पर्यावरण का खतरा है, पर्वतारोहण के भी खतरा है। जहाँ गांव हो जाता है वो गांव फैल जाता है। हिमानी में जब घाव लगता है पिघल रहा, और दूसरा यहाँ के जंगल कट गया। सीमेंट आयरन की बिल्डिंग बनने से उसकी अल्ट्रा रेज सूर्य की प्रकाश प्रतिबिंबित होकर के और वृद्धि हो रहा। वनस्पति समाप्त हो गया, पहले बूरे भालू, सफेद भालू, ये सब रहा करते थे कस्तूर, अब तो है ही नहीं। ये जो पर्यावरण करके कागजों में, फाइलों में चिल्ला रहे हैं, उसे ये काम नहीं हो रहा। यहाँ पर जो सीमेंट कांक्रीट के जंगल खड़ा हो गए हैं, उससे सूर्य की प्रकाश प्रतिबिंबित होकर और वृद्धि हो रहा। इसके अलावा तीर्थ नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही, अब शोषण का, व्यापार का रूप धारण कर लिया। इस सबसे गंगा जी को क्या खतरा है, उनके अस्तित्व को? माने हिमानी जो पृथ्वी के प्रादुर्भाव तब का हिमानी, आज और कल का नहीं। तो आपको लगता है गंगा जी लुप्त हो सकती है? 21 वर्ष में लुप्त हो जाएगा, रहेगी नहीं। 40-50 साल क्योंकि अभी चौकम्बा तक पहुंचने में मुश्किल से 8-10 किलोमीटर रह गया गोमुख। वहाँ केवल गंगोत्री ग्लेशियर नहीं, जितने भी ग्लेशियर्स हैं सभी समाप्त हो रहा है। ये विष्णु पुराण में पहले से ही लिख दिया था? अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, महाभारत में, केदारखंड में, सभी पुराण में पहले लिख चुका। क्या? गंगा जो है कलयुग, घोर कलयुग में लुप्त हो जाएगी। अभी व्यापार रूप धारण कर लिया। सबसे बड़ी मेरा खतरा है तिब्बत। जब से चीन अतिक्रमण कर लिया, वहां पर काफी एक्टिविटी हो गया, उससे हिमालय पर सीधा प्रभाव पड़ रहा।
पीछे से नजदीकी है तिब्बत, ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं बचाने के लिए गंगा जी को? शक्ति और कुछ नहीं। जितना यहाँ जंगल कट गया है, बिल्डिंग बन गए हैं, मलमूत्र गंगा में निसंकोच निर्लज्जता के साथ गंगा में आ रहा है, वो कारण है। तो हम लोग क्या करें, क्या कैसे बंद करें? शिविर लगा रहे हैं, लेकिन शिविर